उपाय का मोहताज होने वाले पाकिस्तान को आखिरकार उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने बचा लिया है, या फिर यूं कहें कि भारत की राह में अड़ंगा डालने वाले ड्रैगन ने इमरान सरकार पर एक और एहसान कर दिया है। अब तक तो पाकिस्तान चीन के कर्ज तले बोझ से दबा हुआ था और अब उसके एहसानों के सामने नतमस्तक हो चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमता है, उसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान खुद कई बार बेनकाब हुआ है और इस बार भी बेनकाब होने ही वाला था, लेकिन एन मौके पर उसके दोस्त चीन ने उसे बचा लिया। हमारा इशारा FATF की उस ब्लैक लिस्ट की तरफ है जिसमें अगर पाकिस्तान का नाम शामिल हो जाता तो इमरान सरकार पाई पाई की मोहताज हो जाती। फिर पाकिस्तान किसी भी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैला पाता, फिर खाड़ी देशों से लेकर चीन चाहकर भी उसकी आर्थिक मदद नहीं कर पाते। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली को देखकर खुद वहां के वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज 60,000 अरब पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 30,000 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुँच गया है। इससे देश के पास अमेरिकी डॉलर की कमी हो गई। हमारे पास इतने डॉलर नहीं बचे हैं कि हम अपने कर्जों की किश्त चुका सके। मुझे डर है कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्टर ना हो जाए। असल में पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसका नाम ग्रे लिस्ट की तरह ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। अगर ऐसा होता तो बदहाली और कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाता। पैसों के लिए चाहकर भी किसी के पैरों पर नहीं गिर पाता, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने उसे बचा लिया है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को मौका दिया गया था जिसमें वो विफल रहा, और ऐसे में जब FATF की बैठक हुई उस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडराने लगा, तभी उसके बचाव में उतरे तुर्की, चीन और मलेशिया ने उसके पक्ष में वोट करके उसे बचा लिया। भले ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर चीन ने पाकिस्तान को इस बार बचा तो लिया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं, क्योंकि इस मामले में FATF संस्थान अक्टूबर में आधिकारिक तौर पर अपना फैसला सुनाएगी। ऐसे में अगर इस बार भी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने खाना पूर्ति करने की कोशिश की तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्लैक लिस्ट से बाल बाल बचा पाकिस्तान फिलहाल खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन की यात्रा पर गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान के ग्रे सूची से बाहर निकलने के प्रयासों का समर्थन करने पर सहमति जताई है, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ग्रे सूची से बाहर आने के लिए 36 वोटों में से 15 वोट मिलने जरूरी है, जो कि पाकिस्तान के बस में अब बिल्कुल नहीं है।